37 लाख से भी ज़्यादा IRCTC की पर्सनल यूज़र आईडी ब्लॉक्ड जब्त। अगर आप भी IRCTC की पर्सनल यूज़र आईडी से किसी दूसरे का टिकट बुक करते हैं तो हो जाइए सावधान, कहीं ऐसा ना हो कि आपका भी आईडी ब्लॉक कर दी जाए एवं आप पर रेलवे एक्ट 143 धारा लग जाए। तो दोस्तों, शायद आप सब समझ गए होंगे कि आज हम किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं, तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सनी प्रजापति और आप देख रहे हैं इंटरनेट ऑल। फ्रेंड्स, वीडियो को आगे शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा आप रेड बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे मोटिवेशन करने के लिए आप लाइक बटन पर क्लिक करें और आप जिनको ज़रूरत हो आप अपने फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर करें। तो इंडियन रेलवे की तरफ से खबर निकलकर सामने आ रही है कि 2015 से 2021 तक जितने भी पर्सनल यूज़र आईडी हैं उन सभी को आईडी ब्लॉक किया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। क्या यह सही है कि 2015 से 2021 तक की सभी पर्सनल यूज़र आईडी ब्लॉक हो रही है? तो जवाब मेरा होगा जी नहीं। तो IRCTC के द्वारा यह जाँचा जा रहा है कि कौन सा पर्सनल यूज़र आईडी एक महीने में फुल टिकट बुक हो जा रहा है। कहने का मतलब है, आज आप लोग जानते होंगे कि अब जो है IRCTC की पर्सनल यूज़र आईडी से आप एक महीने में 12 टिकट बुक करते हैं और अगर आपका वहीं पे आधार कार्ड लिंक हो जाता है तो आप 24 टिकट बुक कर सकते हैं। लेकिन क्या था 6 महीना पहले कि आप एक आईडी से मात्र 6 ही टिकट बुक कर सकते थे और आधार कार्ड लिंक करने पर 12 टिकट बुक कर सकते थे, लेकिन अब इसकी मात्रा को बढ़ा करके 12 टिकट कर दी गई है पर्सनल यूज़र आईडी से। तो यह देखा जा रहा है कि पर्सनल यूज़र आईडी से किसका हर महीने ज़्यादा से ज़्यादा टिकट बुक हो रहे हैं, अलग अलग सरनेम लग रहे हैं, अलग अलग मोबाइल नंबर लग रहा है। तो अगर आप भी अपने पर्सनल यूज़र आईडी से टिकट बुक कर रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप बिल्कुल भी ना करें। हाँ, कभी कभार हो गया, 2-4 महीने में आप लोग एक दो किसी को टिकट बुक कर सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप पर्सनल यूज़र आईडी से किसी अनदर का टिकट बुक कर रहे हैं तो आप टिकट बुक मत कीजिए। चूँकि आप देख रहे हैं कि रेलवे की टिकट पर यहाँ साफ भी लिखा हुआ है, इट इज़ अ बुक डाउन अ पर्सनल यूज़र आईडी टिकट इट फॉर सेल परचेज देन रेलवे एक्ट 143। हाँ, लेकिन अगर आप अपने पर्सनल यूज़र आईडी से अगर आप अपना या फिर आप अपने फैमिली मेम्बर का टिकट बुक कर रहे हैं तब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन किसी दूसरे का टिकट ना बुक कर सकते हैं। तो यही आज हम आपको इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं कि जो है 2015 से 2021 तक की ज़्यादातर आईडी बंद हो गई है। आप अपना आईडी भी चेक कर सकते हैं कि आपका कहीं आपका भी आईडी बंद ना हो गया होगा। और तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय।